नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर और खास पेशकश है खास मुलाकात। कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट, और उसमें कहा था कि दुनिया किस बात पर चलती है, तो उसमें जवाब था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आज स्टूडियो में जो शख्स हमारे साथ में मौजूद है वो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। सुनकर थोड़ा सा अजूबा लगा होगा ना आपको, लगना चाहिए। आज जो हमारे मेहमान है वो इस बात पर विश्वास करते हैं एंटरटेनमेंट विथ एक्साइटमेंट फॉर लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। आइए हम स्वागत करते हैं धर्मा रमानी जी का, जो कि द्वारका वाटर पार्क के सर्वे सर्वा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले बीसीएन के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। धर्मा रमानी साहब हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। एक तो इनका व्यक्तिमत्व इतना प्लीजेंट है कि उनसे ऑफ कैमरे में बात करते करते एक जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। द्वारका वाटर पार्क सर नागपुर का एक अनोखा डेस्टिनेशन है, जहां पे कई सारे फैमिलीज ने आज तक तो एंटरटेनमेंट किया है, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। ये आपने सपना कैसे साकार किया, थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। बस वाकई स्थित एक बहुत अच्छी जमीन मुझे देखने मिली नदी किनारे जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका उपयोग सभी के भले के लिए किया जाए। काफी पर्यटक वहां आते हैं पहले से, तो क्यों ना उनका एंटरटेनमेंट हो, उनका अम्यूजमेंट हो। और आजकल सब बच्चे मोबाइल में कहीं व्यस्त है, कहीं कुछ है, तो सोचा कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट की व्यवस्था किया जाए, अम्यूजमेंट की व्यवस्था किया जाए, ताकि बच्चे मोबाइल से बाहर निकल कर और भी दुनिया देख सके, क्योंकि ये दुनिया बहुत हसीन है। तो बच्चों को मोबाइल से बाहर निकालने के लिए एक युति सूझी, और युति सूझने के बाद मैंने कुछ यहाँ काम चालू किया, जो आज आपके सामने द्वारका वाटर पार्क के नाम से प्रसिद्ध फैमिली पार्क हो चुका है। तो ये जो आपने सर बहुत अच्छी बात कही है कि, और ये एक ना बहुत बड़ा सवाल भी है पेरेंट्स के सामने, कि जो बच्चे अपने मोबाइल में रहते हैं और मोबाइल से बाहर निकल के उनको एक एंटरटेनमेंट देना जिसमें वो एक्साइटेड भी हो और उसमें पूरा फैमिली भी एंजॉय कर सके। एक जो इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत से लेके अब तक आपको कैसा जनता का जो प्रतिसाद मिला वो कैसा है, कितने खुश हैं आप इससे? जनता का तो मुझे बहुत प्यार मिला है। आज जो भी आता है वो तारीफों के फूल बांधता है, मगर मैं उस पर यकीन न करते हुए अपने और आगे को प्रोग्रेस करते रहता हूँ, और ये भी कोशिश करता हूँ कि क्या अच्छे से अच्छा मैं स्पोर्ट्स भी दे सकता हूँ इसमें अम्यूजमेंट के माध्यम से। तो उसके लिए मैंने बंजी जंप लाया है वहां पे जी, स्काई वॉक लाया 200 फुट हाइट पे। अभी फिश एक्वेरियम आने वाला है वहां पे 50 फुट बाय 280 फुट का, जो कि मनोरंजन का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है वहां। 20 से ज्यादा सर राइड्स आपने लगाए हैं, जैसे आप बता रहे थे बंजी जंपिंग, और हमने भी और जो लोग वहां से जाके उनसे भी जब हम लोगों ने बातचीत की बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और ये सब करने के पीछे एक बड़ी ताकत लगती है, एक इच्छा शक्ति लगती है। तो ये और आप और आपके साथ में आपकी टीम किस तरह से, सभी जो परिवार आते हैं उनके सिक्योरिटी का भी एक बड़ा इशू रहता होगा, उसका कैसे ध्यान रखा जाता है सर द्वारका पार्क में? द्वारका पार्क में सिक्योरिटी का पूरा इशू वहां पे कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि सभी सिक्योरिटी है, हर एक वहां सिर्फ फैमिली को ही एंट्री है जी, बॉयज स्टेक नॉट अलाउड है जी। हर कोई आए अपने परिवार के साथ और एंजॉय करे, उनके देखरेख के लिए पूरे गार्ड लगे हुए हैं वहां पे, और ऐसे किसी प्रकार की वहां कोई तकलीफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा अम्यूजमेंट दे सके, उसके लिए 20 नहीं कम से कम अभी तक 100 राइड्स चालू है वहां। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से पूरे सेंट्रल इंडिया में और हमारे पूरे पेरिफेरी में इस तरह का पार्क तो मुझे नहीं लगता, इतनी सुविधाओं के साथ में जनता की सेवा कर रहा है जी। मध्य भारत का अभी सबसे बड़ा वाटर पार्क है द्वारका वाटर पार्क जी। यहाँ अभी नई 180 फुट की स्लाइड आई हुई है जी, जिसको टनल स्लाइड बोलते हैं जी, वो अपने महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। जायंट स्विंग झूला एक मेरे पास लगा हुआ है जी, वो जायंट स्विंग आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा सिवा द्वारका वाटर पार्क के। और रेंजर हो गया, पेंडुलम हो गया, उसके चेरोप्लेन हो गया, ड्रैगन ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, और ट्राम सेंटर हो गए, मिनी कार हो गई, घोड़ा बग्गी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गई, ऊंट की सवारी, 7D थिएटर, मिरर मजे, इस टाइप की काफी सारी राइड्स है, जो मैं आपको नाम बनाम बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, से पूरी अपने हाँ। जो है अपना 24 घंटे से ज्यादा अपना इंटरव्यू चलेगा। रमानी साहब, मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मैं द्वारका पार्क के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे में एक वो अलग तरह का एक्साइटमेंट और बड़ी इच्छा होती है कि जाऊं, लेकिन एक ना मुझे ऊंचाई से डर लगता है, वो राइड्स होते हैं ना, राइड से बड़ा डर लगता है, इसके ऊपर में कोई उपाय है आपके पास में?
इसके ऊपर सबसे पहले तो राइड करने के पहले डर से लड़ना पड़ता है, अगर डर से लड़ लिए तो फिर राइड करना आसान हो जाता है। वाटर पार्क आप, मैंने इतना एंजॉय किया द्वारका वाटर पार्क में, वाटर को इतना एंजॉय किया है, और बच्चे तो मैं बता नहीं सकता आपको, हमारे बच्चे तो वहां पे बोल रहे थे कि पापा आज के दिन यही रह जाते फिर अपन करेंगे। तो ये कुछ ना कुछ आप वहां पर दिया है आपने लोगों के लिए सच में। और आपने जो कहा कि मुझे लगता है कि एक परिवार में चाहे वो छोटा बच्चा हो या एक 60-65 साल के वृद्ध हो, सबके लिए अपने एंटरटेनमेंट का और एक्साइटमेंट का और एंजॉयमेंट का पूरा पैकेज वहां पे रखा हुआ है। मजे की बात तो यह है कि मेरे यहाँ जो स्विमिंग पूल बना हुआ है जी जी, उसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल तक बूढ़ा एक ही पूल में नहा सकता है। इस टाइप का मैं अपने कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से वो पूल बनवाया है जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल तक हर कोई एंजॉय एक साथ में कर सकता है। मतलब आपके मतलब ये सोच पहले से थी कि हाँ, पूरा परिवार जो है पूरा अपना छोटे से छोटे बच्चे से लेकर तो एक पूरे एक मतलब 3 से 4 पीढ़ियां एक साथ वहां पर आए और अच्छे से पूरा दिन अपना एंजॉय करें। और जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो गैजेट्स की दुनिया है, गैजेट्स की दुनिया से वो बाहर आए। द्वारका वाटर पार्क नो डाउट आज भी एक बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। आने वाले समय में, आने वाले 2-3 सालों में या 5 साल की हम बात करें तो आप द्वारका वाटर पार्क को कहां देखते हैं? मैं तो यह सोचता हूं कि विदर्भ नहीं पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में नंबर 1 बने, ऐसी मेरी सोच है और मैं इसके लिए कोशिश भी करते रहता हूं। अभी 1.5 एकड़ का तालाब बनाया है जी, जिसमें मैं भी छोटा मिनी क्रूज लाने वाला हूं। क्या बात है, लोगों के लिए। और उसी तालाब के ऊपर बुलेट ट्रेन चलवाने वाला हूं जिसकी पटरी फिट हो चुकी है, बुलेट ट्रेन वहां आ चुकी है जी, तो जल्द से जल्द चालू होने वाला है। और इसके अलावा जितनी भी राइड्स मैं ला सकता हूँ, अभी एक एलिफेंट है जो लोगों पे पानी छिड़कते हैं, उनका ग्रुप है एलिफेंट्स का, वो एलिफेंट्स का ग्रुप भी अभी 10 तारीख को वहां द्वारका वाटर पार्क आने वाला है। मतलब जैसे हमने शुरुआती दौर में कहा कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट में बिलीव नहीं करते तो एंटरटेनमेंट विद एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट में भरोसा करते हैं, तो आप कोई चीज ही छोड़ना नहीं चाहते? नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट में मेरी ये इच्छा है कि अमूसमेंट में मैं कोई भी चीज ना छोड़ू, अपने यहाँ आने वाले हर पर्यटक, हर हिंदुस्तानी को मजा दे सकूं ताकि वो मेरे यहां से खुश होके जाए। जब आप कभी देखते होंगे कि ऐसे परिवार जो पूरा दिन भर वहां पर एंजॉय करते हैं और जब वो हंसी खुशी जाते हैं तो आपको कैसे महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं खास तौर पर इसके लिए खुद जब अमूसमेंट पार्क चालू होता है हमारा 3 बजे जी, मैं अमूसमेंट पार्क के बीच में जाके बैठता हूँ और सभी लोग वहां जो आते हैं उनके रिव्यूज लेता हूँ जी, तो वो लोग हर कोई इतने खुश होते हैं और बोलते हैं रामानी जी आपने बहुत अच्छा बनाया, इतने राइड सामने विदर्भ में कहीं नहीं है। ये लोगों की रिव्यूज है और कहीं ना कहीं इन्हीं रिव्यू के बेस पे आप हमेशा निरंतर जो है अपने आप को अपडेट रखते हैं और लोगों को और बेहतर जो है वो बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट या एक्साइटमेंट या हम एंजॉयमेंट कहे उसको आप देने का हमेशा प्रयास आप करते रहते हैं। सही है, ग्राहकों से ही प्यार जो मिलता है ना उसी से हौसले बढ़ते हैं, ग्राहकों के प्यार से मेरे हौसले बढ़ते हैं और मैं डे बाय डे दिन बाय दिन उसकी तरक्की करते रहता हूँ। हर कोई ना कोई उपक्रम वहां नया लाते रहता हूँ मैं। ये रमानी साहब, एंटरटेनमेंट का तो आपका ये द्वारका वाटर पार्क चल ही रहा है, आप एज अ पर्सन भी बहुत ही प्यारे इंसान है और बहुत से शौक आपने पाल के रखे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बस मेरा एक ही बहुत पुराना शौक है जी, जो जब से अपनी दुनिया बनी है 2600 साल से जी, 2600 साल से लेके आज तक का हर कॉइन मैंने कलेक्शन किया हुआ है और हर नोट जो 2600 साल से आज तक चलन में आया वो सभी नोट्स कलेक्शन किए हुए हैं। और वर्ल्ड में जैसे अपने यहाँ 10 का सिक्का बना पीतल का और सिल्वर का डबल कलर में, ऐसा वर्ल्ड में कितने कंट्री ने बनाया, 360 कंट्री ने बनाया, पूरी सभी के सिक्के मेरे पास में है और एकदम मिंट न्यू कंडीशन में। मेरी सबसे बड़ी हॉबी एंटिक है, एंटिक चीजों का एंटिक कलेक्शन करना, ये भी अपने आप में। और कहीं ना कहीं देखिए कि एक व्यक्ति में जब ऐसा विशेष गुण होता है ना तो वो अपने आप तक सीमित नहीं रखते और वो चाहते कि इसको मैं दुनिया के साथ में शेयर करूं ताकि मेरा आनंद जो है वो कहीं ना कहीं द्विगुणित हो जाए और वो और मल्टीपल हो जाए। तो ऐसा ही आनंद रमानी सर जो है हमें आने वाले समय में देने जा रहे हैं। सर, जनता आपको देख रही है, नागपुर के व्यूअर्स और पूरे महाराष्ट्र के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। एक अच्छी लाइफ या एक हंसी खुशी वाली लाइफ जीने के लिए इंसान ने या हमने क्या करना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस BCN के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि खुश रहो, मस्ती में रहो और हर जगह जहां जाओ अमूसमेंट करो, स्पोर्ट्स करो और अपने सेहत को भी अच्छा रखो। बस इसी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की सेहत अच्छी रहे
और अच्छी सेहत के लिए चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एक्साइटमेंट और कुछ एंजॉयमेंट, जिसका पूरा पैकेज जो है द्वारका वाटर पार्क में उपलब्ध है। तो छोटे बच्चे से लेकर तो वृद्ध तक, एक परिवार, दोस्त, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या चाहे कोई कंपनी हो। आजकल हमने देखा है सर कि कॉर्पोरेट्स में भी जो है ना बड़े स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, तो ये लोग भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ सुविधा है अपने पार्क में? बिल्कुल, सभी लोगों के लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक वहां है। स्ट्रेस दूर करने के लिए वहां पे हर चीज है, हर चीज का एंटरटेनमेंट है। अगर जो जैसा चाहता है, अगर वो राइड नहीं कर पाता तो बैठ के अपना शो देख सकता है, जैसे 7D थिएटर हो गया, जंगल हाउस हो गया, हॉरर हाउस हो गया, मिरर मजे हो गया, ये बैठ के VR सिनेमा हो गया, ये बैठ के अपना एक जगह एंजॉय कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। इस सब चीजों से खुशियां मिलती है। और ये नेचुरल पार्क है जो बाबा ताज के दरबार के सामने खुली वादियों में बना हुआ है, आप सबके लिए। और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, और बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में कन्हान नदी का प्यारा सा किनारा भी वहां पर आपको उपलब्ध हुआ है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से उठते तुरंत पहले रुक करूं, और अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये पैकेज जो है एक दिन में खत्म नहीं होगा। एक दिन जाने के बाद में दूसरे दिन के लिए रुकना ही पड़ेगा, तब जाके इतना सारा वो पार्क का हम आनंद ले पाएंगे। सही है, बस आप भी आइए, सुबह जल्दी आइए और दिन भर एंजॉय किए, खुशियां अपनी बटोर लीजिए और खुश रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। द्वारका वाटर पार्क में आपको हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी। आप सभी दर्शक आइए, और हमें आपका प्यार और सहयोग की जरूरत है जो आप हमें प्रदान करें। तो ये थे हमारे साथ में धर्मा रमाने सर, जो कि द्वारका वाटर पार्क के सर्वे सर्वा है, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज लेकर है, और ये विश्वास करते हैं कि परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। हम वक्त के साथ में अपने आप को बदलते रहे, खुश रहे, अपने को प्यार दे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकालने का लिए मौका जरूर दें, और इसके लिए द्वारका वाटर पार्क आपके साथ में हमेशा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का प्यार, बड़ा नमस्कार मेरा, फिर से धन्यवाद, थैंक यू।